गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा टैबुलेशन चैप्टर में लास्ट दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो हम उन्हें लेकर चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये दो क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रखा है, सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में ना बेटा 30 वर्कर है। क्वेश्चन की थोड़ी सी मैं स्क्रूटनी कर दूं, और एक महीने में 26 वर्किंग डे होता है, एक महीने में ना 26 दिन काम होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वर्कर ऐसे हैं जिन्होंने 23 दिन काम किया, उन्होंने टोटल 21,000 आइटम की कॉपी करी है, कोई चीज कॉपी करने का काम उनको दिया गया था। पांच बंदे ऐसे थे जिन्होंने 32480 बेटा कॉपी करी, 32480 कॉपी करी, और वो 25 दिन अटेंड रहे, 25 दिन आए 26 दिनों में से। 16 बंदे ऐसे थे जिन्होंने 4750 कॉपी करी है, और हाफ द नंबर ऑफ वर्किंग डे वो अटेंड करें, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डे इन द सेंस 26 दिन काम होता है, 26 का आधा बोले तो वो 13 दिन ही आए बेटा। आगे क्या रखा है, 6 बंदों ने बेटा ना टोटल मिलाकर 38212 बेटा यहां पर अटेंडिंग करी और 16 दिन बेटा उन्होंने काम किया है, और रिमेनिंग वर्कर जो भी है ना वो सारे वर्किंग डे आए, सारे वर्किंग डे का मतलब 26 ही दिन आए, एंड कॉपीड 15,200 आइटम्स उन्होंने कॉपी किए। बचे हुए वर्कर कितने हैं वो देख लेंगे। देखो 30 वर्कर है, 30 में से आप सोचो दो जनों ने इतना काम किया, पांच ने इतना किया, 16 जनों ने इतना काम किया, 6 जनों ने इतना काम किया, इन सबका सम लगाएं 5 × 2 = 7, 6 = 13 और प्लस 16 तो 29 बंदे तो हो गए, 30 जनों में से एक बंदा ही तो और बचेगा। इस एक बंदे ने 26 दिन काम करा और 15,200 उसने कॉपी करी, ये टेबल ही बन गई ना बेटा। आपको अपन क्या करेंगे, ये यूं की हूबहू अपन टेबल दिखा देंगे, ये तो है नंबर ऑफ वर्कर, ये है नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये है नंबर ऑफ कॉपीड, बस और तो कुछ है ही नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास लॉजिक है नहीं बेटा इसमें समझाने लायक। तो टेबल नंबर शोइंग नंबर ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू वर्किंग डेज कि कितने दिन हुआ आए हैं, एंड नंबर ऑफ कॉपीड वर्क कितने कॉपी उन्होंने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेटा यहां पर टेबल को शो कर रहे हैं। तीन तीन चीजें ही बेटा अपने को यहां दिखानी है। तीन चीजें ही हैं टोटल मिलाकर बेटा, नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ कॉपीड है, और टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने को रो लेनी है। आखिरी में आप टोटल ले लेंगे, इधर टोटल बना देंगे। तो टोटल लेते हुए ये हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा, बस एक सिंपल सा तीन रो की बेटा, तीन कॉलम की आपको एक टेबल बनानी है यहां पर, ये हमारी टेबल बन गई। लास्ट क्वेश्चन ही रह रहा है 11th, वो हम लोग फिर देख रहे हैं। वैसे तो वो क्वेश्चन किसी भी हद में एग्जाम में नहीं आना है, रीजन ये कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में अकेले टेबुलेशन से आने की पॉसिबिलिटीज है नहीं, बट अपन अपना है इस कंटेंट तो देखेंगे जरूर। नंबर ऑफ वर्किंग डेज नंबर ऑफ कॉपीज
तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं ना, ये यूं कहीं लिख दो ना, दो जने, पांच जने, ऐसे 16 जने, 6, और ये एक जना। ये एक कैसे निकला समझ में आया बेटा? 30 में से अपन ने 30 जने टोटल थे, दो जने, पांच, 16, 6, ये सब अगर मैं देखूं तो 29 जनों की डिटेल तो आ गई थी, तो ये एक जना बचा था। ये टोटल मिलाकर बेटा ना हमारे लिए 30 जने हो गए। अब इन्होंने कितने कितने दिन काम किया वो देख लो। दो जनों ने 23 डेज काम किया, पांच जनों ने 25 दिन काम किया, 16 जनों ने 13 दिन काम किया, 6 जनों ने 16 दिन काम किया, एक जने ने 26 दिन काम किया। इसकी टोटल मत लगा देना, ये तो कितने कितने दिन काम किया है सबके अलग अलग है। कुल मिलाकर तो 26 दिन ही काम हुआ था ना बेटा, इसकी टोटल मत लगा देना। दो जने 23 दिन ही आए थे, मतलब 3 दिन अब्सेंट रहे थे, ये सारा कंटेंट। कॉपीज कितनी करी गई है ये भी अपन ने स्क्रूटनी निकाल ली। 21,000, 32480, इन्होंने 47,500 कॉपियां बनी, इसने 38,212 कॉपियां बनी, इसने 15,200 कॉपीज करी। तो इन सबके टोटल लगा दो, ये टोटल मिलाकर आपके लिए कॉपीज आ जाएगी। आपके बीकॉम में बेटा कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, तो कैलकुलेटर भी आप लोग बाई कर लीजिएगा नॉर्मल, उसमें कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, चेक वगैरह ये फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो टोटल बेटा कॉपीज हमारे लिए 1,54,392 कॉपीज हमारे लिए 1 महीने में कंप्लीटली बनी है। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट, कोई खास लॉजिक नहीं था। और अगला और जो लास्ट क्वेश्चन आता है खतरनाक लॉजिक है, टफ रहेगा, सुपर डुपर, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन लेकिन बेटा बहुत लेंथी सॉल्यूशन है इसका और टफ है, मतलब बहुत अच्छे से लॉजिक आपको समझने पड़ेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा ये बात पक्की है, बट देख लेते हैं ताकि चैप्टर पूरा हो जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर में, इसको इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा, वर्डिंग्स वगैरह थोड़े से। एक न्यूज़पेपर अकाउंट डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा, एक बीमारी है इन्फ्लुएंजा अमंग ट्यूबरक्लियर, ट्यूबरक्लियर इन द सेंस टीबी, दो तरह की बीमारी के बारे में डिटेल है बेटा। एक तो है लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा है और एक टीबी, एक सेम फैमिली में क्या क्या है उससे रिगार्डिंग आपको दे रखा है। अब कह रखा है कि 1 लाख लोग हैं, उनमें से 1/5 जनों को टीबी हुई है, 1 लाख में से 1/5 जनों को, थोड़ा समझते चलना, टीबी हुई, और उनमें से जिन पर इन्फ्लुएंजा का कोई इफेक्ट नहीं था वो 5,000 जने थे, 5,000 से कम नहीं थे, मतलब 5,000 जने थे, मतलब 1 लाख में से 1/5 जनों को टीबी हुआ, उनमें से 5,000 जनों को बेटा इन्फ्लुएंजा भी हुआ, लेकिन उनमें से बोले तो वो जो आपके 1 लाख के 1/5 टीबी वाले होंगे ना, उनमें से सिर्फ 1,000 जने दूषित मकानों में रहते होंगे। दूषित मकानों का मतलब बेटा हमारे लिए इन्फेक्टेड हाउस। तीन बातें, एक जना जिसको टीबी हुई है, उनको इन्फ्लुएंजा है, और वो 1,000 जने बेटा ना हमारे लिए इन्फेक्टेड हाउस में रहते हैं। इन्फेक्टेड हाउस का मतलब इन्फेक्टेड है, उसमें आपके कीटाणु वगैरह मिल रहे हैं, और वही बेटा हम लोग कहें तो आगे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इसके अलग, ये तो वो थे जिनको टीबी नहीं हुई है बेटा, ने टीबी को दर्शाया, इसके अलग टीबी से इफेक्टेड जो पर्सन थे ना जिनको इन्फ्लुएंजा नहीं था, 1/15 बेटा इन्फेक्टेड हाउस में रहते थे। कुल मिलाकर 21,000 पर्सन को इन्फ्लुएंजा ने इफेक्ट किया, 41,000 बेटा टोटल मिलाकर दूषित मकानों में रहते थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको इन्फ्लुएंजा था, क्या था बेटा, इन्फ्लुएंजा तो था लेकिन टीबी नहीं थी, तथा जो ऐसे मकानों में रहते थे जो दूषित नहीं थे, मतलब नॉन इन्फेक्टेड हाउस थे, ऐसे टोटल 2,000 जने हैं। अब ना इस क्वेश्चन में तीन चीजें देखो, या तो किसी को इन्फ्लुएंजा है या किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं है, या तो किसी को टीबी है या किसी को टीबी नहीं है, या कोई बेटा इन्फेक्टेड हाउस में रहता है, समझते चलना, भी इन्फेक्टेड हाउस में रहता है या फिर इन्फेक्टेड हाउस नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड हाउस में रहता है, अल्टीमेटली ये तीन ही चीजें। तो सर ठीक है, तीन चीजें हैं तो किसी भी दो को तो रो में ले लेंगे, किसी भी दो को कॉलम में ले लेंगे, और किसी भी दो को सब कॉलम में ले लेंगे, अल्टीमेटली कंटेंट तो यही है।
भाई, या तो किसी को इन्फ्लुएंजा है, नहीं है, किसी को टीबी है, नहीं है, किसी को इन्फेक्टेड हाउस है या इन्फेक्टेड हाउस में नहीं रहते, ये लॉजिक है। तो मैं यहाँ जब फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, अभी मैं हेडिंग वगैरह देता हूँ, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट समझा दूँ, फिर मैं हेडिंग दूंगा इसकी, टाइटल ऊपर का, कंटेंट को पहले यहाँ देखें क्या करना होता है। अगर मैं यहाँ ठीक फॉर्मेट बनाऊँ, तीन चीजें ही मैं ले रहा हूं, देखते चलना। तो बेटा देखो, तीन चीजें हैं, इन्फ्लुएंजा इफेक्ट हम लोग यहां ले लेते हैं मान लो, तो दो तरह के बंदे हो गए ना देखो, या तो जिन्हें इन्फ्लुएंजा है या फिर उन बंदों को इन्फ्लुएंजा नहीं है। और फिर मैं यहां पर टोटल लेता हूं, ये कंटेंट हमारे लिए यहां आ गई, ठीक है, फॉर्मेट बन गया ना बेटा, तो डिजिट भरने में दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बनाना तो अपन भर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, इतने लॉजिक है हमारे पास। अब मेरे पास दो ही चीजें बनी बची बेटा, या तो किसी को टीबी है या किसी को टीबी नहीं है, या फिर बेटा वो इफेक्टेड हाउस में रहते हैं या इफेक्टेड हाउस में नहीं रहते हैं, ये दो कंडीशन हमारे लिए है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिया टीबी, यहां लिया मैंने नॉन टीबी, और फिर यहां बेटा ना मैंने टीबी में बेटा मान लो इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड हाउस ले लिया, और फिर मैंने टोटल ले ली। ये बनाना मत, आप पूरा देख लें, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बनेगी ये फॉर्मेट आपके, अगर नहीं आए ना हॉरिजॉन्टल वे में तो उधर आड़ा पेज कर कर फिर बनाना तो बन पाएगी। ऐसे ही मैंने टीबी में दो पार्टीशन, नॉन टीबी में दो पार्टीशन कर दिए, एक तो वो जो इफेक्टेड हाउस में रहते हैं और एक वो जो बेटा मेरे लिए नॉन इफेक्टेड हाउस में रहते हैं, ये फॉर्मेट मैंने यहां कर रहा हूं। अब देखना, मैंने यहां कहा कि या तो उन्हें टीबी है या उन्हें टीबी नहीं है, उसमें भी वो या तो इन्फेक्टेड हाउस में रहते हैं या नॉन इन्फेक्टेड हाउस में रहते हैं। या फिर वो भी बेटा यहां पर नॉन टीबी वाले इन्फेक्टेड हाउस या नॉन इन्फेक्टेड हाउस में रहते हैं, और ये टोटल। अब इश्यू क्या है सर? ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, अब मैं जो कहूँ ना उसे प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। देखो टीबी वाले कितने कितने क्या हैं, उनकी टोटल वगैरह तो हमारे लिए यहाँ बनती चली जाएगी, ठीक है, टीबी वाले नॉन टीबी वालों की टोटल, बेटा टीबी वालों की टोटल यहाँ आती आती जाएंगी ये टोटल्स, और इन्फ्लुएंजा वाले नॉन टीबी वालों की भी टोटल्स यहाँ आती जाएगी। क्वेश्चन में जो इश्यू आएगा ना, वो मेन इश्यू ये आएगा कि क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि टोटल इन्फ्लुएंजा कितने जनों को है, टोटल नॉन इन्फ्लुएंजा कितने जनों को है, साथ में ये भी दे रखा है कि टोटल इन्फेक्टेड हाउस में कितने जने रहते हैं, नॉन इन्फेक्टेड हाउस में कितने जने रहते हैं। इसलिए हम लोगों को, क्योंकि बाकी जनों की भी टोटल दे रखी है क्वेश्चन में, हम लोगों को ना एक और टोटल की चीजें बनानी पड़ेगी, और वो टोटल हमें ये शो करेगी कि इफेक्टेड हाउस में कितने रहते हैं, नॉन इफेक्टेड हाउस में टोटल कितने जने रहते हैं, और साथ ही में हम लोगों के लिए उससे ये पता चल जाएगा कि टोटल मिलाकर कितने जनों बेटा में
हमारे लिए इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि अभी आप ये सोचो ना, टोटल इन्फ्लुएंसर वाले कहाँ दिखूंगा, वो नहीं दिखा सकता कि टोटल इन्फ्लुएंसर वालों की टोटल मैं कहाँ शो करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास और भी डिटेल से टोटल यहाँ गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये है एक फाइनल टोटल कर कर हम लोग एक और बना रहे, एक फाइनल टोटल का कंटेंट और बना रहे। प्लीज देख लें, अभी फोकस करना, जब मैं पूरा कर दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा कि सर ने ये क्यों बनाया है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए। तो हम लोग ना बेटा यहां पर ये कंटेंट, इसको मैं जो नाम दे रहा हूं ना वो हम रख रहे हैं बेटा फाइनल टोटल, यहां फाइनल टोटल इन्फेक्टेड हाउस की फाइनल टोटल यहां आती जाएगी, नॉन इन्फेक्टेड हाउस की टोटल यहां आती जाएगी। ये जो टोटल होगी ना बेटा फाइनली, ये फाइनल टोटल होगी, ये वाली टोटल ये शो करेगी टोटल इन्फ्लुएंसिया कितने जनों को है, टोटल नॉन इन्फ्लुएंसिया कितने जनों को है, और फिर बाकी की आपकी एग्जैक्ट फाइनल कितने फिगर है वो शो हो जाएंगे। ये फॉर्मेट बेटा आप लोगों के लिए यहाँ बनेगा, इसको आप लोगों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बहुत फोकस रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का क्वेश्चन नहीं है, बट एक ग्रिपिंग लाने के लिए, कॉन्सेप्ट पर ग्रिप करने के लिए हमारे लिए क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक 1 लाख लोगों में से 1/5, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 बेटा ना ने टीबी के चिन्हों को दर्शाया, ठीक 1 लाख जनों में से टोटल मिलाकर सारा कुछ, सारी पंचायती जितने भी टोटल मिला दूं उन सबको मिलाते हुए क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि टोटल 1 लाख लोगों ने टीबी के चिन्हों को दर्शाया, मतलब ये जो टोटल आएगी ना ये टोटल की भी टोटल है फाइनल बेटा, 1 लाख लोगों ने टीबी के चिन्हों को दर्शाया, सॉरी 1 लाख लोगों में से 1/5 ने टीबी के चिन्हों को दर्शाया, तो 1 लाख टोटल जने उसमें से टीबी बेटा 1/5 को हुई है। टीबी की टोटल में भरोगे, टीबी वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा इसमें आप लोग फिल करोगे 1/5 में, तो बेटा 1 लाख का 1/5 सर अगर बनाए बीस हजार जनों को टीबी हुई, ये टोटल मिलाकर ये है कि टीबी के चिन्हों को 20,000 लोगों ने दर्शाया है। अब इन 20,000 में से पंचायती दे रखी है, देखो इन 20,000 में से उनमें से इन्फ्लुएंजा का भी प्रभाव हुआ, उनकी संख्या 5,000 थी, उनमें से इनमें से बोले तो इन 20,000 में से जिनको इन्फ्लुएंजा भी हुआ ना ऐसे टोटल बेटा 5,000 थे, कितने थे बेटा 5,000, और क्वेश्चन कह रहा था परंतु इफेक्टेड हाउस में बेटा केवल 1,000 ही रहते थे, इनमें से बोले तो 20,000 में से इन्फेक्टेड हाउस में सिर्फ कितने जने रहते थे बेटा हमारे लिए 1,000। बेटा नहीं, ये 1,000 हमारे लिए इन 5,000 में से दे रखे हैं अपन ने, थोड़ा सही करेक्शन पढ़ लें। तो क्वेश्चन देखो 1 लाख में से 1/5 को बेटा टीबी के चिन्हों को दर्शाया, तो 20,000 जनों को टीबी हुई, उनमें से बेटा इन्फ्लुएंजा का भी प्रभाव हुआ, उनकी संख्या 5,000 थी, तो इन 20,000 में से 5,000 उसमें रहते थे, और इनमें से मतलब इन 5,000 में से केवल 1,000 बेटा इफेक्टेड हाउस में रहते थे, तो इनमें से इफेक्टेड हाउस में रहने वाले, इन 5,000 में से इफेक्टेड हाउस में रहने वाले बेटा 1,000 जने हैं। ये कंटेंट हमारे पास है। अच्छा मैं ये वाली टोटल निकाल सकता हूँ ना, 20,000 में से 5,000 गए तो ये 15,000 आ जाएंगे, ये 5,000 में से 1,000 गए तो ये भर सकता हूँ, ये मेरे लिए 4,000 आ जाएंगे। अब पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके विपरीत टीबी से इफेक्टेड पर्सन जिनको इन्फ्लुएंजा नहीं था, यहाँ देखो बेटा ध्यान से, टीबी से इफेक्टेड जिनको इन्फ्लुएंजा नहीं था ऐसे टोटल कितने सर हो रहे हैं बेटा हमारे लिए 15,000। क्वेश्चन कह रहा है उसमें से 1/5 बेटा दूषित मकानों में रहते थे, उनमें से कितने जने बेटा 1/15 दूषित मकानों में रहते थे, तो इन 15,000 का 1/15 ध्यान से देखते चलना, तो 15,000 का 1/15 का मतलब बेटा 1,000, 15 में से ये 1 गए, ये आएंगे 14,000, ठीक है, ये टोटल मिला लो 1 और 1 2,000, 14 और 4 18,000, ये तो बेटा टीपी टीपी वालों की पूरी पंचायती खत्म। अब आगे पढ़ो, आगे दो ढाई लाइन ही क्वेश्चन में और है, उसे सब भर जाएगा, कुल मिलाकर 21,000 व्यक्तियों को इन्फ्लुएंजा ने प्रभावित किया।
कुल मिलाकर इन्फ्लुएंजा टोटल कितने जनों को हुआ बेटा, 21,000 जनों को। क्वेश्चन ये कह रहा, तो इन्फ्लुएंजा की टोटल सर ने समझाई थी, इन्फ्लुएंजा की टोटल बेटा यहाँ आएगी आपकी आखिरी वाली टोटल में ना, आखिरी आखिरी वाले में 21,000 जनों को बेटा इन्फ्लुएंजा हुआ। तो इन्फ्लुएंजा टोटल मिलाकर बेटा 21,000 जनों को हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है 41,000 लोग बेटा दूषित मकानों में रहते थे, टोटल मिलाकर 41,000 जने दूषित मकानों में। तो इफेक्टेड हाउस वालों की फाइनल टोटल में ना बेटा यहाँ यहाँ आएंगे ना इफेक्टेड हाउस, ये तो वो तो थे टीवी वाले, ये तो खत्म, ये तो नॉन टीवी वाले, ये फाइनल मिलाकर इफेक्टेड हाउस में 41,000 जने रहते थे। अच्छा यहाँ तक आप समझोगे ना, तो दो अंतर और आ सकते हैं, 1,00,000 में से 21,000 जनों को इन्फ्लुएंजा था, तो बाकी के मैं डिफरेंस निकाल लूँ ना बेटा, इसको दो बार देखना बेटा अच्छे से, तो 79,000 को इन्फ्लुएंजा नहीं था। अच्छा 1,00,000 में से 41,000 इफेक्टेड हाउस में रहते थे बेटा, तो 1,00,000 में से 41,000 जने ये हटा दूं, तो 59,000 बेटा नॉन इफेक्टेड हाउस में रहते थे। आखिरी एक लाइन अब बस, परंतु ऐसे पर्सन जिनकी संख्या, जिनको इन्फ्लुएंजा था लेकिन टीबी नहीं, क्या था बेटा, इन्फ्लुएंजा था टीबी नहीं थी, तथा जो ऐसे मकानों में रहते थे जो दूषित नहीं थे वो 2,000 थे। तीन चीजें मिलानी है, इन्फ्लुएंजा तो था, टीबी नहीं थी, और जो ऐसे मकानों में रहते थे जो इफेक्टेड नहीं थे। तो देखो इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा था, टीबी नहीं थी और दूषित मकान नहीं थे, इन्फ्लुएंजा था, टीबी नहीं थी, दूषित मकान नहीं थे, ऐसे व्यक्ति बेटा हमारे लिए 2,000 है। पर सब तो क्वेश्चन में कोई लाइन ही नहीं है, 2,000 कहाँ कैसे आए, वापस से पढ़ लो बेटा। ऐसे पर्सन जिनको इन्फ्लुएंजा था, टीबी नहीं थी और ऐसे मकानों में रहते थे जो इफेक्टेड नहीं थे। तो देखो क्या हुआ बेटा, हमारे लिए इन्फ्लुएंजा था, टीबी नहीं थी और इफेक्टेड हाउस नहीं थे, ऐसे 2,000 जने थे। बस बाकी सब तो आपको डिफरेंस से निकालना है। कैसे आएगा वो समझना आप बेटा, यहाँ के बाकी के डिफरेंस बेटा हमारे लिए सबसे मेन है, वो समझो। देखो ध्यान देना हो बेटा, जो जो कंटेंट मैं यहां पर आपको बोलूं फोकस करना। देखो नॉन इफेक्टेड में टीबी वाले 4,000 जने थे, यहां नॉन टीबी वाले नॉन इफेक्टेड में 2,000 जने थे। थिंकिंग करो, 4,000 यहां थे, 2,000 यहां थे, तो टोटल मिलाकर नॉन नॉन इफेक्टेड हाउस वाले बेटा हमारे लिए यहां पर 6,000 जने हो गए। ये फाइनल टोटल नॉन इन्फेक्टेड की यहां बेटा 6,000 आ जाएगी। सोच लो वापस कैसे भरे, टीबी नॉन इन्फेक्टेड इन्फ्लुएंजा 4,000, नॉन टीबी नॉन इन्फेक्टेड इन्फ्लुएंजा 2,000, तो 4,000 और 2,000 दोनों जोड़ू तो 6,000 ना, बस यहाँ के सारी चीजें आ जाएगी। इस टोटल में इधर बेटा 21,000 में से 6,000 यहाँ है, तो 15,000 यहाँ रहेंगे, 59 में से 6,000 यहाँ है, तो 53 यहाँ रहेंगे, 15,000 में से 41 यहाँ है, तो 26 यहाँ रहेंगे। बस ये सारी भर गई, इधर उधर इन सबको किधर भी टोटल कर लो, ये आ जाएंगे। अब सोचते चलना, इन्फ्लुएंजा की टीबी है वो टोटल बेटा हमारे लिए 5,000 जने, ठीक है। टोटल इन्फ्लुएंजा बेटा यहाँ अगर आप देखोगे ना, टोटल इन्फ्लुएंजा 21,000 जनों को, 21,000 में से 5,000 जनों को टीबी भी थी। मैं कह सकता हूँ ना बेटा, 21,000 टोटल जनों को इन्फ्लुएंजा हुआ, उनमें से टीबी 5,000 जनों को भी हुई, तो मैं यहाँ 16,000 फिल कर सकता हूँ ना बेटा, 21,000 में से 5,000 जनों को टीबी हुई, 16,000 जनों को टीबी नहीं हुई। ऐसे ही बेटा नॉन इन्फ्लुएंजा 79,000 जने थे, उनमें से 15,000 जने बेटा वो हैं जिनको टीबी हुई है, तो 64,000 जनों को टीबी नहीं हुई है। टोटल मिलाकर टीबी कितने जनों को नहीं होगी बेटा, 80,000 को, 20,000 यहाँ है, 80,000 यहाँ है, ये टोटल मिलाकर 1,00,000 जने हो गए। 16,000 में से 2,000 ये हटाऊं बेटा, तो ये 14,000 हो गए। सोचो 14,000 और 1,000 ये मिलकर बेटा ये 15,000 की टोटल में ही हो रही है। ऐसे ही बेटा यहाँ नॉन इन्फेक्टेड हाउस वाले 14,000 है, टोटल नॉन इन्फेक्टेड हाउस वाले 53,000, तो 53 में से बेटा 14,000 लेस कर लूँ, तो यहाँ वाला फिगर आ जाएगा ना बेटा मेरे लिए, इसको दो दो बार देखना तो कर पाओगे, 39,000। ये जोड़ लो, 39 और 2 जोड़ो तो बेटा ये 41 हो गया। 80 में से 41 यहाँ हो गया, तो मेरे लिए 39 यहां हो जाएगा। ये 39 और ये 2, ये दोनों ऐड करो, ये देखो 41 हो गए। 39 और 14 ये आपस में डिफरेंस निकालू तो
ये मेरे लिए 25,000 हो गए। ये 25 और ये 1,000 दोनों ऐड करूं तो ये 26,000 हो गए। ये आपकी सारी कंटेंट, ये आपका क्वेश्चन। इतना बड़ा कतई संभव नहीं है आने का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमारी बुक में क्वेश्चन है इसलिए हम लोगों ने इसको देखा है। इसको दो बार देखना, लॉजिक समझ में आएगा धीरे धीरे। टेबल नंबर, कोई फिगर नहीं समझ में आए तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वो फिगर कहां से निकला है वो मैं आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा। Showing number of person according to TB and influenza TB influenza and infected house. तीन बेसिस पर दिखा रहे, टीबी, इन्फ्लुएंजा एंड इन्फेक्टेड हाउस। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश हो जाता है 11, ये लास्ट क्वेश्चन बचा था। ये आपका टेबुलेशन बेटा फिनिश हो गया है। कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस पर सर्वे समझने के लिए करना है, कोई खास कुछ है नहीं, इंपोर्टेंस आना नहीं क्वेश्चन, बट एक बार आप व्यू जरूर देख लें कहाँ कहाँ से हमने करा वो दो एक बार देखना। फिर भी कोई इश्यू लगे, कोई फिगर नहीं समझ में आया, मुझे इंडिविजुअली मैं व्हाट्सअप कर देना बेटा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9649200888 इस पर कर देना, मैं आपको अलग से सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं।